मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का एक ब्रीफ समरी निकालो। देख सकते हो इसने हिंदी में सुना। Sure, here's a brief summary of your social media accounts. YouTube, you have 552 subscribers and 95 videos. You're alive. Instagram, you have 34 followers and 6 posts, and you follow 17 accounts. How many subscribers do I have in my YouTube account right now? You have 552 subscribers in your YouTube account. Great, now, hello, I have to go. No problem. Goodbye. तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का Day 32 ऑफ मेकिंग 4 वेस। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम मल्टीपल वेबसाइट्स को कनेक्ट करने वाले हैं अपने 4 वेस से। यानी कि हम रियल टाइम डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे किसी भी वेबसाइट से। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मतलब आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो गए, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो गए, आपने कितने वीडियो डाले, जितने भी लाइव इन्फॉर्मेशन है, इवन न्यूज तक आप चाहो तक ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहले ये कोड लिखा है मैंने, ये पाइथन में लिखा है एंड इसको बोलते हैं हम बेसिक सेलेनियम टेम्पलेट। इतना कोड नेसेसरी होता है जो कि आप पहले से लिख सकते हो कहीं पे, एंड इतना कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं अप्रोच में, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। बट उसके पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, लाइक हम लोग के 552 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड अब इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो पहले तो आपको क्या करना है, कोई सा भी आपको URL लेना है एंड कॉपी करना है, देन आपको एक इनकॉग्निटो टैब खोलना है, देन उस पर पेस्ट करना है एंड जैसे ही वो चीज़ पॉपअप हो उसके बाद हम इस वेबसाइट से या फिर यूट्यूब से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू सेलेनियम एंड जो कि होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स का अकाउंट। मैं यहाँ पे अगर मैं हावर करूँ तो आप देखोगे कि मैं मैन्युअली एक एक करके भी कर सकता हूँ एंड अदरवाइज अगर मेरे को पूरा टेक्स्ट चाहिए तो लाइक मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इसकी आईडी है मेटा। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी चेक दिस कितने जगह यूज़ हुआ है। ओके, तो ये 1000 जगह यूज़ हो चुका है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम सीधा कॉपी करेंगे एक्सपाथ। यहाँ पे आपको जाना है कॉपी देन एक्सपाथ। आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो जिसका आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको एक्सपाथ कॉपी करना है। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वेबसाइट को विजिट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्राइवर डॉट, क्या लिखा है, गेट, ड्राइवर डॉट गेट। ड्राइवर डॉट गेट फंक्शन क्या करता है, ये हमको वेबसाइट पे लेके जाता है। लेट मी डू दिस टू दिस एंड अगर मैं दोनों सेल को रन करता हूँ, लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट। तो लाइक 7 सेकेंड्स लगे हैं, वेट अ सेकेंड, मुझे ये वाली लाइन कमेंट करनी चाहिए, देन मुझे इसको रीस्टार्ट करना चाहिए। अभी आप लोग देखोगे लाइक ये एक विंडो ओपन हुआ है एंड ये ब्लैंक विंडो है, इस पर कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं लाइक इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे, लेट मी शो इट टू यू गाइस साइड बाई साइड। ये देखो मेरा चैनल जो है लोड हो रहा है अब क्रोम पे। एंड देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने एक्सपाथ मुझे मिला है उसको मैं लाइक क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले तो एक्सपाथ की वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा इन्फो नाम का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। यहाँ पर मैं लिखूँगा बाई डॉट आई डी। Why I am doing this? Let me do this first. And मैं यहाँ पे वो उसका एक्सपाथ को पेस्ट करूँगा। Wait a second, I forgot one thing. यहाँ पे सिंगल कोट आएगा एंड लास्ट में मैं लिखूँगा डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को टेक्स्ट वैल्यू चाहिए एंड लास्ट में प्रिंट करा दूंगा इन्फो को। तो आप लोग देखोगे कि लाइक ये किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, मुझे एरर आ चुका है, आई एम नॉट श्योर मुझे क्यों एरर आया है बट एरर आ चुका है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली आईडी की जगह मुझे एक्सपाथ लिखना चाहिए था, माय बैड। ओके, तो आप देख सकते हो कि दिव्यांश शुक्ला @ द दिव्यांश शुक्ला, दिस सब्सक्राइबर, 95 वीडियोज एंड आई एम अलाइव। तो इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि सेम चीज़ करने वाले हैं हम लोग इंस्टाग्राम के साथ। तो लेट मी शो यू माई इंस्टाग्राम। फर्स्ट मैं किसी वीडियो पे जाता हूँ, लाइक लेटेस्ट वाली वीडियो पे हेलो चले जाते हैं एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टाग्राम पे।
एंड आप लोग देख सकते हो मैं इनकॉग्निटो टैब में हूँ, मतलब सही है, मैं यहाँ पे अप करूँगा इंस्ट्रैक्ट एंड अब मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें ना एक्सट्रैक्ट हो, मैं बस अपने फॉलोवर्स जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि पहले इधर पे जाऊँगा एंड आप लोग देखोगे कि मैं इसका चुपचाप एक्स पाथ कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो वेबसाइट है यानी कि पूरा पूरा फुल यूआरएल, इसको कॉपी करता हूँ मैं एंड अगर मैं यहाँ पे गेट पे जाता हूँ एंड इसको पेस्ट करता हूँ एंड अब अगर मैं इसको रन करूँ, लेट मी रन दिस एंड स्विच टू दिस, तो अब देखोगे कि रन हो गया। एंड अब अगर मैं एक्स पाथ यहाँ पे डालूँ वो सेकेंड वाला, तो ज़्यादा बड़ा एक्स पाथ नहीं है कि कोई ना, देख सकते हो मुझे वापस से एरर मिल चुका है। ऐसा क्यों हुआ भाई, लेट मी चेक वन मोर टाइम, लेट मी डू दिस नाउ, लेट मी अगेन कॉपी इट्स एक्स पाथ, नाउ आई विल ट्राई टू डू सेम थिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग बिफोर, एज यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी निकलवा ली एंड यूट्यूब की डिटेल्स भी निकलवा ली। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, किसी आप एक पर्टिकुलर वीडियो का यूआरएल दे सकते हो कि हाँ भाई उसके व्यूज़ वगैरह काउंट करता रहे, उस वीडियो को भी जाके देखे एंड आप जितने चाहो उतने यूआरएल वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं तो उस वाली वीडियो में दो ही करने वाला हूँ एंड ये माथापच्ची बार बार करने से अच्छा इसका फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना के रखा है जिसका नाम है सोशल टेक्स्टर। ये क्या लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है, एक होता है वेबसाइट, एक होता है एक्सपैथ। आप क्या करें, मतलब ये पहले करेगा क्या, ड्राइवर डॉट गेट वेबसाइट करेगा, देन 2 सेकंड का वेट करेगा, बिकॉज मुझे पता है 2 सेकंड के पहले कोई वेबसाइट लोड नहीं होती। देन मैंने ट्राई स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई ये एक्सपैथ है, इसको ढूंढो, अगर एक्सपैथ मिल जाता है तो ये रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज लूप में फंसा रहेगा ये एंड फील्ड प्रिंट कर देगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आपके एक्सपैथ नहीं तो यूआरएल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देन मैंने एक मीडिया नाम का एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैंने डिफाइन किया है कि ये मेरे यूट्यूब का बायो है। देन मैंने कॉलन दे के 2 वैल्यूज दी हैं लिस्ट में, पहला तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है एंड सेकेंड चीज़ मैंने दी है एक एक्स पाथ। आपको भी ऐसे ही करना है कि एक्स पाथ देना है एंड यूट्यूब, यूट्यूब अगर आपका है तो आप यूट्यूब भी दे सकते हो, अदरवाइज किसी और का यूट्यूब भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। इंस्टाग्राम लाइव डिटेल, इंस्टाग्राम लाइव डिटेल इन द सेंस फॉलोवर वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लिंक दिया, देन मैंने पूरा पूरा जितना भी था एक्स पाथ दे दिया एंड लास्ट चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने एक डेटा फॉर्मेटर नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा कि डेटा अच्छे फॉर्मेट पे फॉर्मेट करके देगा। लेट मी शो इट टू यू गाइस बिकॉज ऐसे विजुअलाइज करना मुश्किल है। पहले मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, आई हैव टू रीस्टार्ट दिस, नाउ इट शुड लोड सेल। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देन मीडिया को रन करता हूँ एंड देन मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखोगे वेट अ सेकेंड ये क्या कर रहा है, थोड़े से और कोड्स ऐड कर देते हैं अभी। ठीक है, आप देखोगे कि काम कर रहा है अपना एंड इसने पूरा का पूरा अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके दे दिया, रीडेबल फॉर्मेट पे। ठीक है कि हाँ भाई इस पे अंतर, एक यूट्यूब बायो है एंड एक इंस्टाग्राम लाइव डिटेल है, कुछ इस तरीके से इसने काम किया है। अब ये जो हमने कोड लिखा हुआ है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसको मैंने एक सोशल मीडिया नाम के फाइल में डाला हुआ है। बस मैंने लास्ट पे काम किया हुआ है कि ये जो डेटा फॉर्मेटर नाम का मैंने फंक्शन बनाया था इसका नाम मैंने रख दिया सोशल मीडिया। अभी आप लोग क्या देखोगे कि आप यहाँ पे जितने चाहो उतनी वैल्यूज ऐड कर सकते हो बिकॉज फ्लेक्सिबल है हमारा प्रोग्राम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया जो कि आपको करनी चाहिए, यहाँ पे लास्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट क्विट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेमोरी बचेगी एंड ब्राउजर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नाउ लेट मी डिलीट दिस नोटबुक एंड बात आती है जार्विस पेजेस डालने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट अ सेकेंड, मेन फाइल में जाना है, मैंने एक लाइन लिख के रखी है, फ्रॉम सोशल डॉट सोशल मीडिया इम्पोर्ट सोशल मीडिया, ये वही फंक्शन है हमारा डेटा फॉर्मेटर वाला। देन मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे
एक लाइन ऐड करी है मैंने, जैसे हम लोगों ने लेटेस्ट वाली न्यूज़ को नहीं अपेंड किया था, सेम तरीके से मैंने इसको भी अपेंड करा दिया है सोशल मीडिया को, यानी कि सोशल मीडिया वाला डेटा। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया है, देन मैंने इस फंक्शन को भी डिलीट कर दिया, बोला भाई भाड़ में जा। ओके नाउ व्हाट वी कैन डू गाइस, लेट मी टेस्ट दिस आउट। मैंने GUI ऑफ करके रखा है बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड मैं नहीं चाहता रिकॉर्डिंग में ज़रा सा भी लैग आए। मैंने थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह भी बढ़ाई है, आई होप आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। एंड लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम इट, रन पाइथन फाइल, वेट अ सेकेंड, एक और शुभ काम कर लेते हैं। शुभ काम इन द सेंस कि जार्विस को लाइक अगर हम लोग हिंदी में बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये फीचर मैंने डाला था, बट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी हम हिंदी में करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं आपको शो करता हूँ मैंने क्या काम किया हुआ है, मतलब आप चाहो तो बंगाली में भी बात कर सकते हो इससे। लेट मी शो इट टू गाइस। सो अभी हमारा पुराना वाला स्पीच रिकॉग्नाइजेशन था, उसमें मैंने एक एक्चुअली चार कैरेक्टर्स रिप्लेस करके मैंने ये किया है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है एंड मैं एक यूट्यूबर हूँ, देख सकते हो। एज यू कैन सी हियर यस इट लाइक इट्स प्रॉपरली वर्किंग। अब आप लोग पूछोगे मैंने वो क्या चेंज किया है एंड आप लोग कैसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा था इंग्लिश US एंड देन मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी इंडिया। सीन क्या है कि ये तो लाइक आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि लाइक कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आप जाओ ChatGPT के पास ये लेके, लेट मी गो टू ChatGPT, वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ। आपको जाना है ChatGPT के पास एंड आपको इसको कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है। लेट मी शो इट टू गाइस, बस साइट तो लोड है, हो जा भाई लोड। ओके मैंने एक लाइफ में भी प्रॉम्प्ट दिया था, आपको पहले ये पेस्ट करना है, देन आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना है 2 बार, देन आपको 2-3 स्टार लगा देना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इंग्लिश या फिर आप कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज ही बोल सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ, मैंने बांग्ला कर दिया है तो मैं यहाँ पे बांग्ला लिखता हूँ। तो देखो ये मेरे को कोड दे देगा, बस मुझे करना क्या है ये वाला कोड जो है कॉपी करना है। एक्चुअली ये वाला कोड भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाकर आपको पेस्ट कर देना है। लाइक मैं तो खुश हूँ भाई हिंदी मेरी बात सुन रहा है दारविश, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी जो कि कमेंट थी, उसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। नाउ इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। ओके सो लेट मी शो इट टू यू। GUI मैंने बंद किया हुआ है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का एक ब्रीफ समरी निकालो, देख सकते हो इसने हिंदी में सुना। Sure, here's a brief summary of your social media accounts. YouTube, you have 552 subscribers and 95 videos. You're alive. Instagram, you have 34 followers and 6 posts, and you follow 17 accounts. How many subscribers do I have in my YouTube account right now? You have 552 subscribers in your YouTube account. Great, now, hello, I have to go. No problem. Goodbye. तो as you can see here कि मैंने क्या किया हुआ है, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कोड कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो लाइक वो भी चेकआउट कर सकते हो आप। एंड एक काम और किया जो कि मैंने आपको बताया नहीं, जिसने नोटिस कर लिया वो कमेंट कर देना एंड जिसने नहीं किया उसको मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे तो ये वाली लाइन आपको याद है, ये मैंने कमेंट की थी नोटबुक में बट मैंने अनकमेंट कर दी इधर, ताकि वो जो विंडो शो हो रहा था क्रोम का वो विंडो शो ना हो। किसने किसने ये चीज़ पकड़ ली, वो लोग कमेंट्स पर अपने अटेंडेंस लगा दो। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।